नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आज के जो SSC MTS का जो पेपर हुआ है मैथ, तो दोस्तों हम लोग देखेंगे कि मैथ से कौन कौन से क्वेश्चन आज पूछे गए। तो दोस्तों मुझे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं मिल पाए, जितने क्वेश्चन मिले मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर किया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से आज क्वेश्चन आए हैं मैथ से। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि ए किसी काम को 15 दिनों में करता है और बी 12 दिनों में उसी काम को करता है, लेकिन सी की सहायता से तीनों मिलकर मतलब सी की सहायता से 4 दिनों में काम ख़त्म कर लेते हैं वो ए बी सी मिलकर, तो सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग जो डाटा कलेक्ट कर लेंगे, तो ए 15 दिनों में करता है, बी 12 दिनों में करता है और ए प्लस सी टोटल काम 4 दिनों में कर लेते हैं। अब दोस्तों हम लोग टोटल वर्क निकाल लेंगे इन सभी का एलसीएम निकाल के, तो 12 और 4 का एलसीएम होगा 60, तो ये हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। ओके दोस्तों, अब 15 का डिवाइड हम लोग 60 में करेंगे तो इसका एक दिन का कार्य आ जाएगा ए का, तो 15 × 60 तो एक दिन का कार्य इनका एक 4 आ गया। अब बी का हम लोग एक दिन का कार्य निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 12 का डिवाइड हम लोग 60 में करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का कार्य आ जाएगा 15, 4 का डिवाइड करेंगे टोटल वर्क में 60 का 4 में तो 15 आ जाएगा। तो दोस्तों एक दिन का इनका कार्य ए प्लस बी प्लस सी का है एक दिन का कार्य 15, और ए प्लस बी मतलब ए का कार्य है 4 और बी का है एक दिन का कार्य 5, तो 4 + 5 + c = 15, तो c = 15 - 6 तो ये 6 आ जाएगा। तो सी का कार्य एक दिन का आ गया 6 यूनिट वर्क आ गया। तो दोस्तों पूछा कि सी कितने दिनों में कर सकता है, तो टोटल वर्क से हम लोग एक दिन का कार्य डिवाइड कर देंगे तो 60/6 तो = 10, तो सी का एक दिन का कार्य आ गया 10। अगला क्वेश्चन दोस्तों आया था कि बहुत ही सिंपल है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या आपको पता होगा कि अभाज्य संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं ना कि किसी दूसरे से कटें। ओके दोस्तों, तो इसमें अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 81 तो होगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 37 भी नहीं होगा, सॉरी दोस्तों इसमें अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है ये पूछा गया है इसमें, ये मैंने आंसर क्वेश्चन ये गलत लिख लिया। तो इसमें ये पूछा कि इसमें अभाज्य संख्या कौन सी नहीं है, तो अभाज्य संख्या वे होती हैं जो स्वयं से करती हैं किसी दूसरे से नहीं करते, तो 43 अभाज्य संख्या है, 37 भी अभाज्य संख्या है और 31 भी है, केवल 81 नहीं है अभाज्य संख्या, तो इसका आंसर हो जाएगा 81। अगला क्वेश्चन आया था कि 3, 4, 20 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग सबसे पहले 3, 4, 20 का वो फैक्टर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 3 × 4 × 5 = 60, तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें क्योंकि मैं अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा।